अपने मुसलमान भाई दीनी भाई यही है, लोग समझाते हैं समझ भी नहीं पड़ती इनके कि अगरबत्ती से होता क्या है, अगरबत्ती से आग फैलती है। ये देखो अगरबत्ती लगाने से इतनी भयंकर आग जल रही है किसी को हद नहीं। ये देखो पूरी झाड़ियाँ हैं, कब्रिस्तान में देखो कैसे अपने पुराने पुराने बुजुर्ग लोग थे, देखो इनको भट्टी के अंदर झोंक दिया गया, भट्टी के अंदर है ऐसे अगरबत्ती लगाने से क्या बाल फर्क पड़ रहा है इनको। अबे तुम्हें कब्रिस्तान जाना है तो कब्रिस्तान में कुरान शरीफ पढ़ो, उसकी आयतें पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, कुरान यासीन पढ़ो, दुआ करो आग के अंदर। मेरे भाइयों ये क्या है, ये तुम और आग के अंदर डाल रहे हो उनको, अपने बड़े बुजुर्गों को। तुम्हें मालूम है हर साल मना करा जाता है कि सभी कहते हैं कि रात के अंदर अगरबत्ती लगाना मना है कब्रिस्तान के अंदर। तुम जाहिल लोग समझते क्यों नहीं, तुम इसीलिए मना करते हैं, इसीलिए मना करते हैं और तुम्हें इसलिए मना करते हैं। ये लोग कितना धुआं हो रहा है, कितनी आग लग चुकी है, दीवार ठेठ खोना आ चुका है कब्रिस्तान का। ये देखो कब्रिस्तान कितना लंबा चौड़ा वहां से यहाँ तक का कब्रिस्तान है। मगर मेरे भाइयों तुम्हें अल्लाह इज्जत देगा कि नहीं देगा मेरे समझ भी नहीं आ रही। तुम्हारे अपने बड़े बुजुर्ग है, इनको तुम आग के लपेटे झोंक रहे हो तुम। तुम्हें खुशबू करनी है, तुम्हें कुछ भी करना था मेरे भाई खुशबू ला छठक दो ना यार, उनके लिए कुछ मांगो, हक के अंदर दुआ मांगो उनके, कुछ तो करो मेरे भाई। आग में झोंको तुम यार ऐसे आग के अंदर, और अगरबत्ती लगा के लगाने वाला चला गया और भाई दूसरे परेशान हो रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह ने हमारे किस्मत देनी थी, हमने किस्मत दी थी उनको, मगर तुम मेरे भाई शैतानी काम भी कर रहे हो। तुम्हारे तो हाथ जोड़े गुजारिश है मेरे भाई, अगरबत्ती लगाने मत आना कब्रिस्तान में आज की रात, सिर्फ खुशबू लेके आना खाली बस, और यहाँ आके हक के अंदर दुआ मांगना, ठीक है ना मेरे भाई। तुम्हारे तो हाथ जोड़े गुजारिश है, मेरा नहीं मैं सब जानते होंगे मेरे को तुम। ये देखो हमारा मदार भाई किस्मत कर रहे क्या कर रहे, मगर तुमने तो थोड़ा काम करा अगरबत्ती जला के भक्की चला गया हो। अब कितनी बड़ी देखो कब्रिस्तान में आग लग चुकी है, जरा सी लापरवाही करने मेरे भाई। जाहिलों के काम है ये, जाहिलों के काम है। जब भी अपने मौलवी मुल्ला है बोलते हैं कि तालीम में बैठे करो, जमात में बैठे करो, कुछ सीखे करो, कुछ समझे करो, समझते कुछ भी नहीं है। जो पुरानी रस्म में चलती है रस्म में चलाते तुम्हारी पुरानी बस, अभी रस्म में हाथ खराब होगी ना अपनी, तो अपने बड़े बुजुर्ग है, ठीक है ना भाई। अस्सलाम वालेकुम।